चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन चल रहा था, कि जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं, वो बेसिक डेफिनेशन हमने समझी थी। फिर कल हमने समझा था कि इकोनॉमिक्स में स्टेटिस्टिकल पार्ट कितना जरूरी है। हमने कल इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट भी समझे थे, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, और समझा था कि इकोनॉमिक्स में कोई भी डेटा अगर लिखना हो ना, तो वो लिखने के तीन तरीके होते हैं। या तो डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखा जाता है सेंटेंस लिखकर, या तो डेटा टेबल बनाकर, या तो ग्राफ बनाकर कोई भी डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। इकोनॉमिक्स में कोई भी डेटा रिप्रेजेंट करना, ऐसे तीन मेथड आती है ना, जिसमें समझा था कि सबसे इजी मेथड होती है टेबल के थ्रू या ग्राफ के थ्रू डिस्क्राइब करना। अब अगर ग्राफ के थ्रू डिस्क्राइब कर रहे हैं तो मतलब उसमें स्टेटिस्टिकल पार्ट, स्टेटिस्टिकल नॉलेज होना जरूरी है ना। और कल यही हमने समझा था कि इकोनॉमिक्स में स्टेटिस्टिक क्यों जरूरी है, दोनों कैसे कंबाइन सब्जेक्ट कहलाते हैं। ये सब पॉइंट तो कल हमने समझे थे, लेकिन अब उसी पॉइंट को हम लोग कंटिन्यू करें, कि जैसे समझा था कि इकोनॉमिक्स में कोई भी डेटा अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ग्राफिकल मेथड सबसे ईजी रहती है, सबसे आसान रहता है ग्राफिकल मेथड। लेकिन अगर ग्राफिकल मेथड हमें अपनानी है, ग्राफ अगर ड्रॉ करना है, तो इकोनॉमिक्स में कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही है कि सम रिक्विजाइट एस्पेक्ट इन कलेक्टिंग स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग इट इन अ ग्राफ और डायग्राम। कि कोई भी डायग्राम या ग्राफ आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, और कैसे जो है वो आप स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, उसके लिए कुछ रिक्विजाइट एस्पेक्ट, कुछ जो है वो जरूरी बातें ध्यान में रखनी है। कि कोई भी ग्राफ बनाओ तो ये बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। क्या ध्यान में रखें? सबसे पहली चीज, सोर्स ऑफ डेटा। अब इकोनॉमिक्स में कोई भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो ना, वो कौन से सोर्स से आ रहा है, कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, ये जानना बहुत जरूरी है। आपने स्टेटिस्टिक में भी समझा था कि भाई डेटा दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा होता है मतलब जो हमने खुद कलेक्ट किया है, तो वो थोड़ा सा रिलायबल डेटा होता है, रिलायबल विश्वास कारक होता है कि हाँ भाई हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा, तो जब भी आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे हो जो किसी और ने ऑलरेडी कलेक्ट किया है, आप उस डेटा का यूज कर रहे हो, वही ना सेकेंडरी डेटा। तो ऐसे में आपको सोर्स बहुत ध्यान से देखना है कि सामने वाले ने वो डेटा कहाँ से कलेक्ट किया और आप उसका यूज क्यों कर रहे हो। ये सोर्स ऑफ डेटा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अरे बात ध्यान, अगर सामने वाले ने कोई जो है वो हाइपोथेटिकल डेटा लिखा हो, मतलब अपने अंदाजे से डेटा लिखा, और वही डेटा आप लिख रहे हो जिसमें कोई सच्चाई ही नहीं है, तो आपका डेटा भी गलत होगा, आप जो डेटा रिप्रेजेंट करोगे वो भी पूरा गलत जाएगा, बरोबर। तो आपका सोर्स ऑफ डेटा कहाँ का है वो ध्यान में रखता है। ज्यादातर गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ डेटा पे ज्यादा जो है वो रिलाय कर सकते हैं, मतलब विश्वास कर सकते हैं, कि सरकारी डेटा अगर है मतलब हाँ वो विश्वास कारक है। अगर प्राइवेट कंपनी कोई डेटा कलेक्ट कर रही है, वो आप लोग यूज कर रहे हो, तो थोड़ा सा जांच तपास करके फिर यूज करना चाहिए। अरे बात ध्यान, तो कोई भी इकोनॉमिक्स में डेटा रिप्रेजेंट करो तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखते हैं कि आप वो डेटा कलेक्ट कहाँ से कर रहे हो, वो सोर्स ऑफ डेटा ध्यान में रखना जरूरी है। या सेकेंड, क्लैरिटी रिगार्डिंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि कोई भी डेटा जब आप ग्राफ में बना रहे हो, तो आप लोगों को ध्यान है आप पहले भी ग्राफ बनाते थे ना, तो उसमें एक्स और वाई एक्सिस बनाते ना, एक्स और वाई एक्सिस, और जिसमें सबसे सिंपल आप लोग बार ग्राफ तैयार करते ऐसे अलग अलग बार्स के थ्रू, तो उसमें ये एक्स और वाई एक्सिस होता है ग्राफ के अंदर, तो जिसमें एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट डेटा लिखा जाता है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिखे जाते हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट डेटा लिखा जाता है। तो आप जब भी कोई डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि उसमें से कौन सी वैल्यू इंडिपेंडेंट वैल्यू है, कौन सी डिपेंडेंट वैल्यू है, बरबर। इसका क्लैरिफिकेशन आपके माइंड में बिल्कुल होना चाहिए। कि जैसे चलो एग्जांपल लेते हैं, कल ही जैसे एग्जांपल लिया था प्राइस और डिमांड का, आपको चलो ग्राफ बनाना है प्राइस और डिमांड के बारे में, तो प्राइस और डिमांड में कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट है, प्राइस और डिमांड कौन सा इंडिपेंडेंट और कौन सा डिपेंडेंट कहलाए। तो जनरली अगर प्राइस और डिमांड का आप रिलेशन ढूंढो ना, तो प्राइस इंडिपेंडेंट है, कि प्राइस कुछ भी चेंज होगा अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली चेंज होगा, और उसके अकॉर्डिंग डिमांड चेंज होगी, तो डिमांड प्राइस पे डिपेंड है। समझ आ रही है बात, कि प्राइस इंडिपेंडेंट हो गया, कि प्राइस तो कैसे भी चेंज होगा, चलो
कि भाई जो बिजनेसमैन है वो अपने हिसाब से अगर प्राइस चेंज कर रहा है। हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट तो और भी बहुत आते हैं, पर अभी सिंपल कि प्राइस बिजनेसमैन अपने हिसाब से चेंज करेगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिमांड वो प्राइस के ऊपर डिपेंड है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इसलिए जब ग्राफ बनाएंगे तो प्राइस जो है वो एक्स एक्सिस पे लिखा जाएगा और डिमांड वाई एक्सिस पे लिखा जाएगा। ऐसे हो सकता है ना कि जैसे चलो अगर आपको ग्राफ बनाना है कि हमारी कंट्री में अलग अलग ईयर में हमारा पॉवर्टी रेट कितना है वो चेक करना है, उसका ग्राफ बना रहे हो अलग अलग ईयर के। सपोज ईयर है 2011, 12, 13, 14, 15, ऐसे अलग अलग ईयर में हमारी कंट्री की पॉवर्टी कितनी थी उसका आपको ग्राफ बनाना है। तो आपके पास दो डेटा है, एक ईयर है और एक पॉवर्टी है, तो इसमें से कौन सा डिपेंडेंट और कौन सा इंडिपेंडेंट? तो इसमें जो ईयर है वो इंडिपेंडेंट कहलाया, ईयर तो खुद ही तैयार होते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हुए, और पॉवर्टी वो डिपेंड है कि पॉवर्टी उस ईयर की हमें बतानी है, तो वो उस ईयर पे डिपेंडेंट कहलाया। तो इसलिए जब ईयर लिखेंगे तो वो एक्स एक्सिस पे लिखेंगे 2011, 12, 13, 14, और जो पॉवर्टी के नंबर्स होंगे वो वाई एक्सिस पे लिखा जाएगा। अरे बात ध्यान, तो जब भी कोई डेटा कलेक्ट करो ना तो उसमें पहले क्लियर होना चाहिए कौन सा इंडिपेंडेंट कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना चाहिए। जनरली, फिर से बोल रहा हूँ, जनरली एक्स एक्सिस पे होता है इंडिपेंडेंट डेटा और वाई एक्सिस पे होता है डिपेंडेंट डेटा। पर हाँ, आज के टाइम में जो है वो इसको रिवर्स भी किया जाता है, कितनी जगह पर यहाँ कंप्यूटर की मदद से हम टेबल वगैरह ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट अलग अलग किया जाता है कि डिपेंडेंट डेटा यहाँ हो जाए, इंडिपेंडेंट वहाँ। अरे बात ध्यान, पर जनरली फिर एक्स और वाई एक्सिस को भी बदला जाता है, ठीक है ना? क्या जनरली हम ऐसे ही ग्राफ बनाते हैं, पर अब कंप्यूटर की मदद से ग्राफ बनाया जाता है तो ऐसे वर्टिकल की जगह ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्राफ भी बनते हैं। तो डिपेंडेंट डेट इंडिपेंडेंट डेटा यहाँ हो जाता है, डिपेंडेंट यहाँ हो जाता है। अरे बात ध्यान, पर जनरल रूल ये याद रखना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट हमेशा वाई एक्सिस पे रहता है। अरे बात समझ में? तो ग्राफ बनाते वक्त तो ये भी बात ध्यान में रखते हैं। और थर्ड पॉइंट, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट स्केल, कि जरूरी स्केल जो है वो सिलेक्ट करना। आप लोगों को याद है आप पहले के स्टैंडर्ड में अगर ग्राफ बनाते हो तो एक्स एक्सिस पे तो चलो आपने ईयर लिखा है, फिर वाई एक्सिस पे नंबर लिखने होते हैं। अब वो नंबर लिखने होता है ना जिसमें हमें स्केल सिलेक्ट करनी होती है कि हर लाइन पे, मतलब हर सेंटीमीटर पे आप कितने कितने का गैप ले रहे हो। आपको याद हो आपने पहले ग्राफ बनाए हो तो उसमें हम ऐसे करते थे ना कि भाई हर लाइन में सपोज 10 10 का गैप बना रहे हैं, 10 20 30 40 50 60 ऐसे, या कभी जरूरत पड़ती है तो 500 का गैप, कभी 100 100 का, कभी 1000 1000 का गैप, कि 1000 2000 3000 4000 ऐसे हर लाइन पे लिखा जाता है यहाँ वाई एक्सिस पे। तो आपका जैसा डेटा हो उसके हिसाब से स्केल सिलेक्ट करनी पड़ती है, और स्केल ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि जिससे आप जब ग्राफ बनाओ ना वो ग्राफ एकदम बड़ा भी ना हो जाए ना ही एकदम जो है वो छोटा रह जाए। जो आप ग्राफ सिलेक्ट कर रहे हो उसमें एक मीडियम रेंज में आपका ग्राफ बनना चाहिए जिसके लिए जरूरी स्केल सिलेक्ट करते हैं। अरे बात ध्यान, कि जैसे अगर डेटा जो है वो आ रहा है कुछ 10 20 30 40 50 60 ऐसा कोई डेटा है, पर आप यहाँ पे स्केल ले रहे हो सपोज 100 200 की, तो अगर डेटा ही 10 20 का है तो वो तो एक ही लाइन या दो लाइन में ही जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ना। 50 100 का गैप लोगे तो एक दो लाइन का ही ग्राफ बनेगा, इतना इतना सा, वो थोड़ी सही है। जैसा आपको डेटा दिया गया हो उसके हिसाब से स्केल लेता है ना, समझ आ रही है बात? तो ये बात ध्यान रखना, जब भी कोई ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो ये तीन बातें जरूर ध्यान में रखते हैं। एक, आप डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, वो सोर्स ऑफ डेटा जरूरी है। सेकंड, आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्लासिफाई करो माइंड में, कौन सा इंडिपेंडेंट कौन सा डिपेंडेंट है। थर्ड, प्रॉपर स्केल सिलेक्ट करो। जब ये तीन बातें ध्यान में रखते हैं ना तो आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल सही तरह से रिप्रेजेंट होता है, और जिससे जिससे आपको एक्सप्लेन करना है वो सामने वाला उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत आसानी से ले पाएगा। अरे बात ध्यान, तो ये समझना। और अब ग्राफ के बारे में तो समझा के चलो ये बातें ध्यान में रखते हैं। अब एक पॉइंट आता है कि इकोनॉमिक्स में अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो कौन कौन से टाइप के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो ऐसे तो काफी सारे टाइप के ग्राफ आते हैं, पर फिलहाल हमारी टेक्स्ट बुक में ये तीन टाइप के ग्राफ है। प्रेजेंटिंग डेटा इन ग्राफ, अगर कोई भी डेटा ग्राफ में हमें सिलेक्ट करना है या रखना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए जनरली ये तीन टाइप के ग्राफ आते हैं।
बार डायग्राम, ग्रुप या क्लस्टर्ड बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। बार डायग्राम ग्राफ का सबसे सिंपल जो है वो ये मेथड या सबसे सिंपल टाइप, हमारा ग्राफ बनाने का सबसे सिंपल टाइप। जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अलग अलग ईयर की जो है वो, या अलग अलग सिटी की हो, अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन आपको जब एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करनी हो, तो सबसे इजी रहता है बार डायग्राम। होता है ना बार डायग्राम, कि जिसमें हम लोग एक्स और वाई एक्सिस तैयार करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम लोग तैयार करते हैं, कि जिसमें एक्स एक्सिस पे कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखकर, सपोज ईयर है, अलग अलग ईयर की हमें लिटरेसी अगर काउंट करनी है, लिटरेसी रेट हमारे इंडिया का, कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग लिटरेट हैं, तो वो काउंट करते हैं। तो यहाँ पे ईयर लिख देते हैं कि सपोज 2011 है, 2012 है, 2013 है, और यहाँ पे उसका लिटरेसी रेट बता दें कि 11 में इतने लोग लिटरेट थे, 12 में इतने हुए, 13 में इतने हुए। ठीक है, जब एक सिंपल इंफॉर्मेशन हमें जो है वो बतानी हो यहाँ पर, जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हुआ ईयर और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही हुआ सपोज लिटरेसी रेट, ठीक है ना, तो उसके लिए सिंपल बार डायग्राम बनते हैं। लेकिन फिर ऐसा आता है कि अगर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल की अलग अलग कैटेगरी आ जाती हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही बन रहा है पर डिपेंडेंट वेरिएबल की अगर अलग अलग कैटेगरी बन जाती हो, तब हम लोग ग्रुप या तो क्लस्टर बार डायग्राम बनाते हैं। अब सपोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल वही है ईयर, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल में लिटरेसी रेट सिर्फ ओवरऑल लिटरेसी रेट नहीं है, कि मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट बताना है, कि अलग अलग ईयर में मेल का लिटरेसी रेट कितना है और फीमेल का कितना है, ऐसे दो बातें बतानी है। तो मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है, डिपेंडेंट वेरिएबल में अलग अलग ग्रुप बन गया, अलग अलग पार्टीशन हो गया, तब ऐसे में ये ग्रुप बार डायग्राम या क्लस्टर बार डायग्राम यूज होता है। उसके लिए हम कैसे बनाते हैं, बनाते वैसे ही हैं बार डायग्राम, लेकिन ऐसे बार डायग्राम में एक्स और वाई एक्सिस बनाकर, एक्स एक्सिस पे तो समझो ईयर ही लिखेंगे कि 2011, 2012, 2013, पर अब जो वाई एक्सिस पे हमें डिपेंडेंट वेरिएबल बताना है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल के अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग पार्ट हैं, जैसे मेल और फीमेल दोनों का लिटरेसी रेट बताना है, तो हर ईयर में एक की जगह पर दो दो या तीन तीन ग्राफ बनाएंगे या बार बनाएंगे हम लोग। अरे बात ध्यान, मतलब 11th में सपोज मेल का लिटरेसी रेट, उसका एक ग्राफ और उसके कंबाइन फीमेल का लिटरेसी रेट, दो जोड़कर। फिर सपोज 12 में भी भाई मेल लिटरेसी रेट इतना है, फीमेल लिटरेसी रेट इतना है, या 13 में भी मेल लिटरेसी रेट इतना है, फीमेल लिटरेसी रेट इतना है, तो दो दो इंफॉर्मेशन या तीन तीन इंफॉर्मेशन हो, सपोज मेल फीमेल और जो है वो ओल्ड एज में बताना हो या चाइल्ड का बताना हो, जो भी क्लासिफिकेशन हो, अगर दो से ज्यादा भी डिपेंडेंट वेरिएबल है तो दो से ज्यादा हम लोग बार बनाते हैं, हर ईयर में दो बार बनाए, उसकी जगह तीन या चार बनाएंगे फिर। ठीक है, ऐसे डायग्राम को हम लोग कहते हैं ग्रुप या तो क्लस्टर। ग्रुप या क्लस्टर्ड का मतलब ही कहते हैं जो ग्रुप्ड हो, झुंड में हो, बराबर ना, ये भी डायग्राम का सबसे सिंपल टाइप ना। या उसके बाद एक डायग्राम का टाइप आता है जिसे कहते हैं पाई डायग्राम। पाई डायग्राम एक सर्कुलर डायग्राम है कि जिसके अंदर एक सर्कल बनाकर और सर्कल में इंफॉर्मेशन के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं, कि जैसी इंफॉर्मेशन हो उसके अकॉर्डिंग उसके अलग अलग पार्टीशंस किए जाते हैं, कि ये एक पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हो गया, तो ऐसे डायग्राम को हम लोग पाई डायग्राम कहते हैं। एक सर्कल बनाकर इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसको अलग अलग पार्टीशन करना है। अब जैसे यही बात हो गई कि पूरी इंडिया में जो भी लिटरेसी रेट है उसमें एज वाइज अगर कहो कि जो यंग एज है, सपोज 15 की एज तक लिटरेसी रेट कितना है, 15 टू 60 तक लिटरेसी रेट कितना है, 60 से अबव वालों का लिटरेसी रेट कितना है, अगर ऐसे हमें बताना है, तो पूरी कंट्री के लिए समझो ये पूरा सर्कल कहलाया। अब 15 से बिलो जो भी है उसका लिटरेसी रेट कितना है, तो उसके लिए एक पार्ट बन गया। अब 15 से 60 के बीच में लिटरेसी रेट कितना है, सपोज उसका एक पार्ट बन गया, और 60 से अबव लिटरेसी रेट कितना है, उसका एक पार्ट बन गया। तो हर इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग पार्टीशंस हो जाते हैं, अलग अलग सेक्टर बन जाते हैं, वो हमारा पाएग्राफ कहलाता है।
पर हाँ एक बात आती है कि पाई डायग्राम में जो भी इंफॉर्मेशन हो ना उस इंफॉर्मेशन को डिग्री में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये सर्कल में बना रहा है ना तो पूरे सर्कल की डिग्री 360 डिग्री कहलाती है। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो कि सपोज 15 से 60 के बीच में लिटरेसी रेट 80% है, सपोज परसेंटेज, तो यहाँ परसेंटेज नहीं बनेंगे, 80%, 80% को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, वो डिग्री के रिगार्डिंग यहाँ पर पार्ट बनेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। और उसके लिए एक सिंपल सी फॉर्मूला यूज करते हैं कि कोई भी अगर डिग्री हमें काउंट करनी हो तो उसके लिए गिवन वैल्यू फॉर्मूला आती है सिंपल सी कि गिवन वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360। कोई भी चीज को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सिंपल सी फॉर्मूला यूज करते हैं, गिवन वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 360। अब सपोज कि भाई 15 to 60 है, उसका लिटरेसी रेट 80% है, पर वो परसेंटेज को कन्वर्ट करना है हमें डिग्री में, तो हम कैसे काउंट करते हैं कि गिवन वैल्यू, सपोज गिवन वैल्यू 80% है जिसको हमें कन्वर्ट करना है, वो गिवन वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू कि सबके मिलाकर टोटल कितने हो रहे हैं, तो परसेंटेज में गिनो तो सबका मिलाकर टोटल तो 100% ही होगा, और किसी में अगर काउंट करोगे तो सबका टोटल कर लेते हैं परसेंटेज के अलावा कुछ हो तो। तो सपोज परसेंटेज है तो टोटल वैल्यू परसेंटेज की 100 और मल्टीप्लाई बाय 360। अरे बात ध्यान, तो भाई इसके अकॉर्डिंग काउंट हो जाएगा ना, जैसे 0000 कट, और इनको अगर करो कि 8 6 48 और 24 और 28 है ना, 288 आएगा कि 288 डिग्री। तो मतलब 360 में से 288 डिग्री पे ये काउंट करेंगे, बरबर ना, उसका बनाएंगे 288 डिग्री, ऐसे ही दूसरे का, ऐसे ही दूसरे का, तो कंप्लीट 360 डिग्री में बनेगा, ऐसे बनेगा ना पाई डायग्राम, समझ आ रही है ना बात। तो देखो कोई भी डेटा अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए ऐसे अलग अलग तरह के डायग्राम हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि कल ही हमने बात समझी थी कोई भी डायग्राम के थ्रू, ग्राफ के थ्रू अगर आप लोग डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो ना तो वो समझने में इजी रहता है। कि जो ले पर्सन होते हैं, ले पर्सन मतलब कल भी बताया था एक आम इंसान कहला जिसे इकोनॉमिक्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो डेटा पढ़ के नहीं समझेगा, ड्रॉ किया हुआ डेटा होगा ना वो आसानी से समझ लेगा, इजी रहेगा उसको समझने में, समझ आ रही है बात। तो देखो ये जैसे पार्ट देखा ना कि भाई डेटा कैसे रिप्रेजेंट करना है, अब चैप्टर का एक आखिरी पार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंट समझे कि अब इकोनॉमिक्स हमारे लिए क्यों जरूरी है। ये हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था पहले वीडियो में तब भी आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स की स्टडी करना हमारे लिए जरूरी है। देखो नहीं कहते हमें कि भाई इकोनॉमिक्स के एकदम परफेक्ट स्टडी करो कि आप जो है वो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट बन जाओ, नहीं, भले आप ले पर्सन रहो, भले एक आम इंसान रहो, पर इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज होना हर किसी को जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज होती है ना तो वो हमारी लाइफ में बहुत बेनिफिट देती है। हमने इकोनॉमिक्स को समझा ही ऐसे था, डेफिनेशन में ही हमने समझा था कि इकोनॉमिक्स मतलब क्या, तो अपने बेनिफिट के लिए काम करना, बरबर ना, अपने रिसोर्सेज का ऐसे यूज करना कि जिससे हमें बेनिफिट हो, वही तो इकोनॉमिक्स की स्टडी कहलाती है ना, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स की स्टडी में यही बात समझी थी ना, एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना और उसके रिगार्डिंग खुद का बेनिफिट ढूंढना हर जगह पर। तो अपने बेनिफिट अगर हमें फाइंड करने हो ना तो उसके लिए इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज होना तो जरूरी है। क्यों है जरूरी, वो उसके इम्पोर्टेंस से पता चलता है कि इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले इम्पोर्टेंस वही आती है कि अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर, या दूसरा उसका फायदा रहता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मनी रिलेटेड फायदा। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर, इकोनॉमिक्स के थ्रू आप एवरीडे बिहेवियर मतलब जो भी पर्सन है वो पर्सन का रोज का बिहेवियर कैसा है, हम कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये हमें इकोनॉमिक्स के थ्रू ही पता चलता है। ये हमने भी पहले वीडियो में बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि हम अगर कुछ भी डिसीजन लेते हैं, हमारा बिजनेस चल रहा है, हम कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग सामने वाला पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा, इसको हमें पहले नॉलेज होना जरूरी है, पहले समझना जरूरी है इसको, तभी हम सही डिसीजन ले पाते हैं। इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है। और खाली रोज की एक्टिविटीज में से भी, छोटे छोटे बिजनेस चल रहे हैं या वही नहीं, एवरीडे बिहेवियर में दूसरी भी बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे कुछ बात बताएं, यहाँ पर दो पॉइंट हैं, अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर में अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इवेंट्स
एंड अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट। ये भी बातें इकोनॉमिक्स के लिए जरूरी है कि इंटरनेशनल इवेंट्स, पूरे वर्ल्ड में होने वाले इवेंट्स हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, हमारी डेली लाइफ में कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, इसकी नॉलेज हमें इकोनॉमिक्स देता है। इंटरनेशनल इवेंट्स देखो कितने लोग हमें कहते हैं, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, कितने लोग कह रहे हैं, जैसे अभी जो है वो ईरान और उस साइड जो वॉर चल रहा है, वॉर जैसे सिचुएशंस हैं, तो हमें कहते हैं कि यार वहाँ लड़ाई चल रही है, हमें क्या लेना देना, वो तो उसका मैटर ना, वो समझे, हम क्यों चिंता करें। पर नहीं, लड़ाई वहाँ चल रही है, इफेक्ट हमारे घर पे होता है, हमारे एवरीडे बिहेवियर पे, मतलब हमारे रोज के कामकाज पे, रोज के डिसीजन में इफेक्ट आता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज ईरान में लड़ाइयाँ चल रही है, अब ईरान के साथ हमारे कोई प्रोडक्ट का बिजनेस चल रहा होगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज अगर कोई क्लोथिंग का बिजनेस है, शूज का बिजनेस है, जस्ट एक एग्जाम्पल कि शूज हमारे इंडिया में वहां से आते थे, ईरान से वहां से आ रहे हैं, अब वहां पे शुरू हो गया वॉर। अब वॉर शुरू हो गया तो वहां की गवर्नमेंट पूरा खर्चा किस में लगाएगी, लड़ाई में लगाएगी, वॉर में जो है वो लगाएगी, तो बाकी के चीजों का प्रोडक्शन वहां पे कम हो जाएगा, तो वहां से जो सपोज शूज यहाँ पे रेगुलर आते थे ना इंडिया में, वो आना कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। सरकार कहे कि नहीं भाई, अब तो हम वहां पे लगे हुए हैं, यहाँ पे आना बंद। कितने रूल्स बदल जाते हैं गवर्नमेंट के, कितनी चीजों में फर्क आता है, तो वहां से शूज यहाँ आना बंद हो गए, और यहाँ अगर शूज आना बंद हो गए ना, तो यहाँ पे उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ उसके प्राइस जो है वो बढ़ते जाएंगे। समझा रही है बात है, यहाँ उसके प्राइस बढ़ते जाएंगे। तो वॉर वहां हो रहा है, भाव यहाँ बढ़ रहा है, होता है ना भाई, इसीलिए इंटरनेशनल इवेंट्स जानना जरूरी है। कितने लोग इग्नोर करते हैं, भाई वहां हो रहा है, हमें क्या लेना देना। अभी जैसे अमेरिका में जो है वो शेयर मार्केट क्रैश हुआ, भारी मंदी आ गई, तो कहते हैं हमें क्या लेना देना, वो तो अमेरिका का मैटर। नहीं, वहां के शेयर मार्केट हमारे शेयर मार्केट से कनेक्टेड है, वहां की कितनी कंपनीज हमारे शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है और यहाँ पर भी काम करती है, तो वहां कुछ इफेक्ट हो रहा है ना, तो उसका एक इफेक्ट यहाँ पर भी होता है, और यहाँ पे अगर शेयर मार्केट में इफेक्ट हो रहा है तो उसका इफेक्ट हमारे आसपास की चीजों में होता है, हर चीजों के भाव बढ़ते जाते हैं, थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस आते जाते हैं, होता है भाई इफेक्ट, ठीक है ना। कि अगर जो है वो सपोज हमारे यहाँ पर पेट्रोल जो है वो अरेबियन कंट्रीज में से आता है, आज भी दुबई और ईरान, इराक और उसके आसपास के देशों में से आज भी पेट्रोल वहां से आता है ना, अरेबियन कंट्रीज में से हम लोग मंगवाते हैं, गल्फ कंट्रीज में से। तो अब सपोज वहां पे उन्होंने जो है वो पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया, या वहां पे कोई सपोज वॉर हो गया और कुछ सिचुएशन आ गई, तो वहां से पेट्रोल यहाँ आना बंद हो जाएगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, और पेट्रोल का प्राइस हमारे यहाँ पे ऐसे इफेक्ट करता है कि पेट्रोल के 1 रुपए का प्राइस भी बढ़ गया ना, तो जिसकी वजह से आसपास की सब चीजों का, सब्जियों का प्राइस, दाल चावल का प्राइस, सबका प्राइस बढ़ता ही जाता है ना, क्योंकि सब ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं, सब पेट्रोल के थ्रू आते हैं। अब जो सब्जी वाला ट्रांसपोर्ट से सामान मंगवाता होगा, वो ट्रांसपोर्ट वाला ज्यादा पैसे ले रहा है, तो वो सब्जी वाला भी तो हमसे ज्यादा पैसे लेगा ना, तो कहाँ भाव बढ़ रहा है, वहां पेट्रोल का अरेबियन कंट्रीज में, और उसका इफेक्ट हो रहा है हमारे यहाँ सब्जियों पे, पड़ता है ना इफेक्ट। ये इकोनॉमिक्स हमें समझाता है कि बाहर के देशों में कुछ चीजें हो रही है तो उसका इफेक्ट यहाँ कैसे हो रहा है, पर इसका उल्टा भी होता है कि हमारी कंट्री में कोई चीजों में चेंजेस आते हैं तो उसका इफेक्ट बाहर के देशों में भी होता है। अरे बस ध्यान, तो इकोनॉमिक्स की स्टडी हो ना, तभी हम ये कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं कि भाई उनका इफेक्ट हमारे यहाँ पे कैसे है। बाबा इसलिए इकोनॉमिक्स की स्टडी करना जरूरी है, ये बेसिक स्टडी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट नहीं बनना है, लेकिन बेसिक स्टडी समझना जरूरी है हमें। वैसे ही अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, इकोनॉमिक्स में हिस्टोरिकल इवेंट्स भी हमें इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, दो तरह से। एक बात समझे कि जैसे हमारी इंडिया की आज की कंडीशन ऐसी क्यों है, क्यों आज जो है वो आजादी के हमें 75 ईयर्स के आसपास होने को आए हैं, इससे भी ऊपर, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री आज भी डेवलपिंग कंट्री है। क्यों डेवलपिंग कंट्री है, इसका रीजन ढूंढने जाओ तो उसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स आते हैं कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो उन्होंने ऐसे ऐसे चेंजेस किए, ऐसे रूल किए, ऐसा एक्सप्लोइटेशन किया कि हमारी कंडीशन एकदम खराब होती गई, हुआ ना ऐसे। तो ये हिस्टोरिकल इवेंट्स कैसे हमें इफेक्ट करते हैं वो समझ में आता है ना हमें, ये इकोनॉमिक्स समझाते हैं। और खाली यही नहीं, जब हम इकोनॉमिक्स में कोई भी तरह के डिसीजन लेते हैं तो उसमें भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हेल्प करते हैं। अब हमारे कंट्री में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई जो है वो बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई, तब उस वक्त हिस्टोरिकल इवेंट्स इफेक्ट करते हैं। उस वक्त ऐसे सरकार भी ये जो है वो रिसर्च करती है, ये नॉलेज लेती है कि यार आज से 40 साल पहले भी है ना ये सिचुएशन आई थी,
तब सरकार ने क्या किया था और तब सिचुएशन बरोबर हुई थी, तो आज भी हम वैसा ही डिसीजन लेते हैं तो क्या हमारी सिचुएशन भी बरोबर होगी? इसका रिसर्च होता है ना हिस्टोरिकल इवेंट से। बरोबर, अभी जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, लॉकडाउन लगाना पड़ा, सब बिजनेस बंद हो गए, सब चीज़ों का चेंज आ गया, तो सरकार ने उस वक्त ऐसा रिसर्च किया था हिस्टोरिकल इवेंट से कि आज से बहुत साल पहले यहाँ पर प्लेग जैसी सिचुएशन आई थी, कोविड नहीं, सपोज प्लेग की बीमारी हुई थी, तब भी जो है वो हर जगह लॉकडाउन हुआ था, तब भी जो है वो शहर वगैरह सब चीजें बंद करनी पड़ी थी काफी जगह पे, तब उस वक्त सरकार ने कैसे कैसे डिसीजन लिए थे? क्या वैसे ही डिसीजन हम आज भी ले सकते हैं? तो प्रॉपर डिसीजन लेने में भी हिस्टोरिकल इवेंट्स इफेक्ट करते हैं या हेल्प करते हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स की स्टडी जरूरी है हमें। या दूसरा, ये तो चलो एवरीडे बिहेवियर के लिए, बरोबर ना, आप जैसे अगर आपका बिजनेस चल रहा है, ये तो गवर्नमेंट जो है वो टॉकिंग्स हो गए हैं, इतनी बड़ी बातें हो गई, अब बिजनेस के लिए सोचो, आपका बिजनेस अगर चल रहा है और आपको बिजनेस में कुछ भी चेंजेस करने हैं, मैं बिजनेस में आज एक नया प्रोडक्ट लेके आता हूँ, अब इसे बेचूंगा, तब उस वक्त चेक करना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट बाहर जो है वो कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे। बहुत टाइम पहले जो पास की दुकान थी उसने भी नया प्रोडक्ट रखा था, उसका तो चला ही नहीं, बंद हो गया, तो क्या हमारा चलेगा? ये बिहेवियर चेक करना पड़ता है ना, ये हिस्टोरिकल इवेंट चेक करने पड़ते हैं ना कि उसने ऐसे किया था, हम भी ऐसे करें तो उसको तो सक्सेस नहीं मिली थी, हमें मिलेगी, या उसे तो सक्सेस मिली थी तो क्या हमें वैसे मिलेगी? रोज के बिहेवियर में इकोनॉमिक्स की ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी आती है। या दूसरा वही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अपने फायदे के लिए इकोनॉमिक्स की स्टडी जरूरी है। जैसे डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल, हम कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन हो, छोटा बिजनेसमैन हो, कोई टीचर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई लॉयर हो, कि कोई भी जो है वो सैलरीड पर्सन हो, वो अपना प्रॉपर डिसीजन वो इकोनॉमिक्स की नॉलेज के थ्रू ही ले पाता है। आसपास क्या चल रहा है, कैसी चीजें चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही तो वो अपना डिसीजन ले पाएगा ना। एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन भी हो, उसे रोज की पगार मिल रही है, महीने की पगार सपोज 20,000 मिल रही है, तो वो आसपास की इकोनॉमी चेक करता है कि बाहर खर्चा कैसा चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। तो भाई बाहर का खर्चा महीने का 18,000 है, मेरी पगार 20,000 है, तो ठीक है चलेगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा कि इससे मेरी पगार और बढ़े। हर बिजनेसमैन भी सोचेगा ना कि मेरी मंथली इनकम 40,000 की आ रही है, लेकिन मेरे घर का खर्चा ही जो है वो महीने का 50,000 है, तो ऐसे बिजनेस मुझे नहीं चलाना है भाई, मुझे बिजनेस में बदलाव लाने पड़ेंगे। कि 40,000 में थोड़ी चलेगा कि भाई घर का खर्चा ही 50,000 है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा कि मेरी इनकम 60,000 हो पाए। ऐसे डिसीजन जब लेने होंगे तो आसपास की चीजों को देखकर, इकोनॉमिक्स की स्टडी करके ही डिसीजन लिए जाते हैं, है कि नहीं? या फिर अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, पता है सरकार कुछ भी जो है वो चेंजेस करते हैं, जैसे आपकी एज में अगर कहो ना, तो हम कुछ भी क्या करते हैं, पता है स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि यार सरकार ने ये नया रूल बनाया, हम जब बताते हैं स्टूडेंट को तो वो कहते हैं हमें क्या लेना है, वो सरकार का काम नहीं, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है उसका इफेक्ट हम पे होता है, तो जिसकी वजह से हम प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं। सरकार बैंक के रेट में जरा सा भी चेंजेस करती है ना, तो उसका इफेक्ट भी हम पे होता है। आप लोग चलो एक बात बताते हैं कि भाई आप लोगों का सबका बैंक में अकाउंट होगा ना ऑलमोस्ट, तो चलो बैंक में अकाउंट होगा तो बैंक आपको इंटरेस्ट देती होगी ना, देती है ना, पता तो है ना ये, कि आप बैंक में आपने पैसे रखे हैं अगर, तो बैंक आपको ब्याज देती है ना, है कि नहीं? और साथ में बैंक कुछ चार्जेस भी लेती है, बैंक आपको सर्विस दे रही है तो महीने के या साल के कुछ चार्जेस होते हैं, तो आपको पता है कि आपकी बैंक जो है वो आपको कितना इंटरेस्ट दे रही है, आपने जो बैंक में पैसे रखे हैं आपको ध्यान है कि आपकी बैंक आपको कितने रुपए का इंटरेस्ट दे रही है? नहीं है ध्यान? तो पता करना भाई, क्योंकि ये सरकार के कैसे रूल्स हैं, कैसे इंटरेस्ट हैं वो पता तो चले। सपोज आपने बैंक में रखे हुए हैं 2,000 रुपए एज अ स्टूडेंट, सपोज आपके अगर इतने रुपए हैं और बैंक आपको सेविंग अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट देती है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे प्रेजेंटली चल रहा है 2 to 3% के बीच में सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता है हम, तो मतलब अगर आपने 2,000 रुपये वहाँ बैंक में रखे हैं ना, 2% अगर गिनो ना तो उसके होते हैं 400 रुपये। 2% के कितने, सॉरी 400 भी नहीं हुए, 40 रुपये हुए खाली, 2% के हिसाब से 2,000 रुपये के, सही बात ना? तो मतलब आपको साल के 40 रुपये का ब्याज मिल रहा है, बैंक आपको 40 रुपये देती है, और उसके बदले में बैंक आपसे चार्जेस कितना ले रही है आप पता करो। सपोज बैंक आपसे जो है वो साल के 100 रुपये का चार्जेस ले रही है, तो आप सोचो कि आपने बैंक में रखे हुए हैं ना, आपको साल के 40 रुपये मिल रहे हैं, 100 रुपये कट हो रहे हैं, तो आपने जो बैंक में रखी है सेविंग 2,000 रुपये, वो सेविंग बढ़ रही है कि कम हो रही है साल में?
अब खुद सोचो, सोचो कैलकुलेशन लगाओ, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ऐसे रूल्स पता हो तभी तो पता हो पाएगा। मतलब आपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं, वो बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं। 2 साल बाद जाओगे तो कहेंगे बैंक में पैसे ही नहीं है, सब गुम, क्योंकि हर साल कट होते जा रहे हैं, कट होते जा रहे हैं, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं वहां पे, होगा ना ऐसा, ये समझो भाई। तो आज ही जाकर जो है वो बैंक में चेक करो आपको कितने पैसे मिल रहे हैं और कितने आपके पैसे कट हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से बैंक में रखो, वरना मत रखो, निकाल दो बैंक में से पैसे। और बैंक की ये रूल्स हमेशा बदलती रहती है कि चलो चार्जेस अब इतना नहीं, अब इतना लगेगा, इंटरेस्ट आपको इतना नहीं, अब इतना मिलेगा। तो ये तो एज अ स्टूडेंट आपको बता रहा हूँ कि ऐसे सरकार कुछ भी चेंज करते हैं तो आपको उसके हिसाब से डिसीजन लेने पड़ते हैं ना, कि मैं बैंक में पैसे रखूँ कि ना रखूँ, वरना निकाल दो। ऐसे ही बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ट्राई करते हैं कि सरकार ने कोई GST जैसी नई पॉलिसी लगा दी, नया टैक्स लगा दिया, तो बिजनेसमैन चेक करेगा कि इसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, इससे मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, मैं उसके हिसाब से आगे डिसीजन लूंगा फिर। समझ आ रही है बात? तो ये पॉलिसीज हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट करती है, ये भी इकोनॉमिक्स की स्टडी समझाती है। बेसिक स्टडी, फिर से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट की तरह नहीं, बेसिक स्टडी भी हो ना तो आप समझ पाओगे कि इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है हमारे लिए। या फिर प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग, आप अपने बिजनेस के लिए जब प्रोफेशनल डिसीजन ले रहे हो, मतलब कि कोई भी बिजनेस में चेंजेस कर रहे हो, जैसे वही एग्जांपल दिया था पहले प्राइस और डिमांड का, कि आप जरा सा भी प्राइस बदलोगे तो आप पहले चेक करोगे ना कि यार मार्केट में डिमांड क्या चल रही है, मैं प्राइस अगर बढ़ा दूं तो कस्टमर खरीदने आएगा कि नहीं आएगा, कि वापस चला जाएगा, तो उसके हिसाब से मुझे प्राइस रखना पड़ेगा ना, सही बात क्या? नहीं तो प्राइस में कैसे चेंजेस करने हैं, ये भी तो हम सोच समझ के इकोनॉमिक्स की स्टडी करके फिर ना। सरकार के कितने सारे रूल्स आते हैं कि जैसे पता है वेज पॉलिसी है कि आपकी कंपनी में कोई मजदूर काम कर रहे हैं तो कंपलसरी उसको हर दिन का इतना पगार तो देना ही है, बस सरकार के रूल्स हैं कि कोई मजदूर आ रहा है उसके रोज के 500-600 रुपए कंपलसरी देने हैं उसको। अरे बात ध्यान, तो अगर इतने कंपलसरी देने हैं तो क्या इसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट है कि मैं रोज के उसको दे पाऊँ, या अगर मैं कम दे रहा हूँ और वो जाकर सरकार में कंप्लेंट कर दे तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो सोचो आप कुछ भी डिसीजन, उसको पगार भी देनी है तो पहले सोच समझ के देना पड़ता है। बाबा मुझे कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो सरकार कितना टैक्स लेगी, लाइसेंस कैसे लेना पड़ेगा, इसके लिए क्या होगा, ये सब हमारे प्रॉफिट लॉस पे, हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए या कहो बेनिफिट पे इफेक्ट करते हैं। इसलिए जब आपको सरकार के रूल्स, आसपास की जो है वो बेसिक मार्केट की नॉलेज हो ना, तभी आप एक परफेक्ट डिसीजन ले पाते हो, ठीक है। इसलिए आपकी एज में अगर कहें कि अभी से आप अगर इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझोगे जो आपके टेक्स्ट बुक में समझाए ही जाते हैं, तो फ्यूचर में आप अपने बिजनेस के लिए, अपनी लाइफ के लिए एक प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे। इसके लिए इकोनॉमिक्स की स्टडी ज़रूरी है। जो कहते हैं इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े, तो बोरिंग सब्जेक्ट है, क्या फ़ायदा, पर हमारे लाइफ में अगर फ़ायदा चाहिए ना तो उसके लिए इकोनॉमिक्स की बेसिक स्टडी तो होनी ही चाहिए। हम सरकार हर साल बजट बनाती है, जाने ना बजट के बारे में ना हो तो इस बार आप 11th में पढ़ोगे कि सरकार हर साल बजट बनाती है कि हमारे देश में क्या क्या प्लानिंग करनी है, क्या क्या नई चीजें लेकर आनी है, तो ये बजट का हमारे ऊपर कैसा इफेक्ट हो रहा है, ये भी इकोनॉमिक्स से समझाता है कि इससे हमें फायदा मिल रहा है बजट से कि नुकसान हो रहा है। अरे बात ध्यान, तो देखो आज जैसे हमने इकोनॉमिक्स के ये कॉन्सेप्ट समझे, समझा भी कि इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है, अब इसके रिगार्डिंग जो नए नए कॉन्सेप्ट हैं, नए नए टर्म्स हैं, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।